और आगे की बातें आप कस्टमर की जुबानी सुन सकते हो। सर, हाँ हाँ बोलिए। आपके पास फोन पहुंच गया है कि पहुंचने का है? हाँ फोन पहुंच गया, कल पहुंच गया। पहुंच गया है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तो हम जानेंगे कस्टमर की ज़ुबानी, उनका फ़ोन की सर्विस कैसी है, क्या है, फ़ोन बराबर आया है कि नहीं आया है उनके पास, तो वो हम उससे कॉल करके आखिरी में पूछेंगे। सबसे पहले हम इनका ये जो फ़ोन है वो ओपन कर लेते हैं बॉक्स। तो इन्होंने भेजा है हमें रेडमी नोट 10 प्रो, और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है आप देख सकते हो। स्पीकर, कैमरा, फ्रंट कैमरा, ब्लूटूथ, 1 सिम नहीं चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है बताया उन्होंने। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं और हम चेक करते हैं कि फ़ोन वाकई में पूरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑन होते तक के हम थोड़ा वेट कर लेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारे फ़ोन का है रिंगर, स्पीकर, माइक, कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी फ़ोन बनाना है तो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो देख लीजिए, फ़ोन हमारा बूटअप हो चुका है। तो सबसे पहले हम फ्रंट कैमरा चेक कर लेंगे, फ्रंट कैमरे में हैंग हो जा रहा है। ऑडियो भी चेक किया हमने, ऑडियो भी नहीं बज रहा है। तो अभी हम इसे फटाफट स्विच ऑफ करते हैं और फ़ोन ओपन करते हैं, और आराम से बैक पैनल खोलना है क्योंकि क्रैक नहीं होना चाहिए, और ये पूरे स्क्रू हम मशीन की मदद से खोल लेंगे। इसके बाद हम आपको ओपन करके दिखाएंगे मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो देख लीजिए, बस फ़ोन ओपन हो ही रहा है हमारा। तो ये फ़ोन ओपन हो चुका है, हम कैमरे वगैरह सब रिमूव कर लेते हैं और मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। और ये मदरबोर्ड की जो कंडीशन कुछ ये रही तो आप देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जो CPU की शील्ड है वो काट लेंगे, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा क्या रहेगा इसका प्रॉब्लम। तो ज़्यादातर इसमें गाइस प्रॉब्लम ये होता है जो इसका CPU ड्राई होने की वजह से कई बार रिंगर, स्पीकर, माइक, कैमरे में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम रिपेयर हो जाता है, लेकिन आपको ये देख ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फ़ोन डेड ना हो, क्योंकि ये जो है ब्रेन का ऑपरेशन होता है, समझ लो ऐसा है आप, तो इसमें फ़ोन डेड भी हो जाता है कई बार। तो एकदम आराम से काम करना है, हमें कोई घाई नहीं करनी है।
देख लीजिए गाइस, जो हमारा प्रोसेसर है वो बस बैठने ही वाला है। तो ये नीचे से फ्लक्स बाहर आने का मतलब ये रहता है जो हमारा प्रोसेसर है वो बैठ चुका है। तो अभी हम बोर्ड को ठंडा कर देते हैं फटाफट और मदरबोर्ड को फिट करके आपको चेक करके बताएंगे कि हमारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुए। मदरबोर्ड फिट करे तक के हमें पूरे कैमरे वगैरह अच्छी तरीके से लगा देने हैं मदरबोर्ड के, और फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, हर एक चीज़ लगा देंगे हम। तो उससे ये होगा हमें चेक करने में आसानी जाएंगी। एंटीना पॉइंट भी लगा देना है हमें, और इसके बाद ये जो इसकी पीछे की मिडल है वो बराबर फिंगरप्रिंट लगा के हमें फिट कर देनी है। तो देख लीजिए मिडल आराम से लगाएंगे, कोई स्क्रू अंदर ना रहे, नहीं तो कई बार ख़राब भी हो सकता है फ़ोन। तो देख लीजिए फ़ोन ऑन हो रहा है, जब तक कि हम इसे क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है हमारा। सबसे पहले हम इसके अंदर सिम डाल के चेक करेंगे जो सिम टू का जो था प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो देख लीजिए जो हमारा सिम है वो ऑन हो चुका है, नेटवर्क भी आ चुका है, और अब हम ऑडियो भी चेक कर लेंगे, हमारा ऑडियो भी आ चुका है, और प्लस हम फ्रंट कैमरा चेक कर लेंगे, फ्रंट कैमरा भी ऑन हो चुका है। अब बारी जाती है हम एक बार कॉल करके देख लेंगे। देख लीजिए लाउड स्पीकर में भी आवाज़ आ रहा है और एयर स्पीकर में भी है, और आगे की बातें आप कस्टमर की ज़ुबानी सुन सकते हो। सर हाँ हाँ बोलिए, आपके पास फ़ोन पहुँच गया है कि पहुँचने का है? हाँ फ़ोन पहुँच गया, कल पहुँच गया। पहुँच गया है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहे, सब अभी फिलहाल तो ठीक है। पूरा ओके हो गया है? हाँ, ओके हो गया है सब कुछ। ओके हो गया है ना, तो मैंने फ़ोन इसलिए किया है, फीडबैक के लिए फ़ोन किया है, क्योंकि अभी आपकी वीडियो भी बनेंगी तो उसमें ये आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी जाएंगी। तो सर्विस कैसी लगी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से आप? सर्विस तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इधर हम लोग की तरफ तो कोई ऐसा सर्विस नहीं दे रहा था। अच्छा, काम ही नहीं हो रहा था। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से आपका वीडियो देखे हैं जी, सबको पार्सल भेज रहा था जी। तो आपको भरोसा, तो आपको भरोसा कैसे हुआ हमारे पास फोन आएगा कि परफेक्ट के होगा कि नहीं काम? भरोसा हुआ कि यूट्यूब के माध्यम से कि सबको एक पार्सल भेज रहा है आपको, आपके पास, आप सबको बना के फिर पार्सल दोबारा भेज दे रहे हैं। जी हाँ, नहीं कई बार रहता है ना लोगों के मन में डाउट रहता है कि मेरा फोन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बराबर काम होगा कि नहीं होगा। हम भी शुरू में वही सोचते थे, लेकिन हम वीडियो देखे हैं, वीडियो देखे तो हमको समझ में आ गया कि नहीं ये फॉरवर्डिंग वाला बात नहीं है, सही बात नहीं है। कई बार क्या करते हैं लोग, फेक वीडियो डाल देते हैं अपने चैनल पे और फ्रॉड करते हैं और उनके फोन मंगाते हैं, पैसे अटते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, वो क्या बोलते हैं कई बार के पैसे भेज दो मुझे, मैं आपका काम हो जाएगा, और पैसे लेके फिर फोन नहीं उठाते। हाँ, ऐसे भी लोग रहते हैं जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कभी भी क्या याद रखिएगा जो आईडी है वो आईडी प्रॉपर है कि नहीं, उसमें एक अंडरस्कोर एसटीजी टेक्निकल जैसे मेरे आईडी पे बना हुआ है, तो वो आईडी एकदम ओरिजिनल रहती है। अगर वो एसटीजी टेक्निकल 1234456 ऐसा कुछ लिखे हुए रहेंगे नीचे की आईडी में तो वहाँ गड़बड़ रहती है। ठीक है, हाँ @stgtechnical के नाम से अपनी आईडी। ठीक है, चलिए ठीक है, और आप अपने दोस्तों को बताइए और भेजिए हमारे पास फोन। ठीक है, हाँ बताएंगे, इस तरह प्रॉब्लम है एक लोगों का, तभी फिर भेजना पड़ेगा। चलिए ठीक, ठीक, ओके। जा रहे हैं, अगर आपको हमारे वीडियो समझाने का तरीका पसंद आता होगा तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।